हेलो गाइस, स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने वाले क्रिएटिव वीडियो को एडिट कैसे करें। चलिए पहले अपनी वीडियो देख लेते हैं। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम्हें एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो भूले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखेंगी निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। जोगी नचले रंग रच दे, पता है ना अपने नैनों से तू नैनों में लगी मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। वीडियो कुछ ऐसी है। और हाँ, ये वीडियो पूरी मैंने काइनमास्टर से एडिट की हुई, पूरा बीट मैच किया है मैंने। तो इसी वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि ऐसी वीडियो को एडिट कैसे करें। और काइनमास्टर का अगर प्रीमियम वर्जन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, चाहिए वहाँ से डाउनलोड कीजिए। चलिए चलते डायरेक्ट मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। सो गाइस, आप लोग आ चुके हैं मेरे डायरेक्ट काइनमास्टर ऐप पे। तो यहाँ पहले क्या करना है, पहले अपन को प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक करना है और यहाँ से रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। रेशियो सिलेक्ट करने के बाद मेरा पहले से सिलेक्टेड है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा अपने। और वीडियो को ऐड यहाँ से मीडिया से करना है तो मीडिया से ऐड कर लेते हैं वीडियो को। वीडियो को ऐड कर लिया हमने, पहले से ऐड है मेरा। और उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा बीट को मैच करना है। देख सकते हैं आप लोग मेरा, मैं आपको ये वाला साउंड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा कुछ इस प्रकार था बीट, देख सकते हैं आप लोग। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तुझे। क्या होता है, एक डायलॉग ख़त्म होता है तो दूसरे में मेरा दूसरा वीडियो आ जाता है, देख सकते हैं आप लोग ऐसे ही। और बीच में ब्लैक वाला आता है ना, उसको यहाँ से फिट करना होता है, देख सकते हो फेड कलर। क्लासिक ट्रांजिशन में जाना है यहाँ पे, यहाँ से क्लासिक ट्रांजिशन में गए और यहाँ से फिट वाला को ब्लैक को, यहाँ से आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो आराम से ब्लैक होगा और स्पीड को बढ़ाएंगे तो एकदम ब्लैक हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं फटाक से दूसरा वीडियो आ जाएगा और बीच में ब्लैक वाली इफेक्ट आ जाएगी। तो ये सब होता है। और अगर आगे मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट को ऐड किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग आगे मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट को ऐड किया हुआ है। इसको यहाँ से ऐड करना होता है, लेयर पे जाइए और टेक्स्ट को ऐड कीजिए, कुछ भी लिख डाले आपको जो मर्जी हो, मतलब कंटेंट के हिसाब से लिखें। मैंने मेरा नाम लिख दिया तो इसको थोड़ा सा हैंड राइटिंग में चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कीजिए। देख सकते हैं आप लोग बहुत सारी हैंड राइटिंग मिलती है आपको भी, हैंड राइटिंग वाला ये वाला को मैंने एडिटिंग में बदल दिया। अब इसको इन एनिमेशन में क्या होता है कि आप स्टार्टिंग में क्या करना चाहते हैं और आउट एनिमेशन में आपको ये वाला टेक्स्ट ख़त्म हो जाए तब यहाँ पे क्या रखना है, तो मैं लेटर बाय लेटर लिखूँगा, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे लेटर बाय लेटर। तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये हो गया पहला बटन हमारा। अब चलते हैं बीट को मैच कैसे करते हैं। बीट को मैच करने में क्या होता है कि यहाँ से आपको पहला बीट आता है ना आपका, देख सकते हैं मेरा, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पूरा आपको पर्पल हो, पर्पल कलर में आ जाएगा। तो पर्पल कलर में यहाँ पे बीट आए तो यहाँ पे क्या करना है, एक वाइट वाला कलर यहाँ से लेयर में जाना है और यहाँ से मीडिया करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड और ये वाइट वाला लेना है, इसको छोटा करना है, सबसे छोटा वाला वहाँ से बस। और इसको इससे भी कटा देना है,
बस इतना ही होता है। तो इसको यहाँ पे बीट के साथ रख देना है, आपने जहाँ पे टिक मार्क किया हुआ ना, और इसको कर देना है बड़ा। इतना बड़ा कर दोगे तो बाद में इतना होगा, देख सकते आप लोग बीट मैच हो गया बिल्कुल, देख सकते हैं आप लोग। अब इसे बहुत सारे बीट है तो बहुत सारे ऐसे आगे बहुत सारे बीट है तो पर्पल जब सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से क्लिक कीजिए, ऐसे ही सिलेक्ट कीजिए, और इसको डुप्लीकेट और यहाँ पे लगा दीजिए। बस सिंपल ऐसा करना है, बहुत मेहनत भी नहीं करनी। ऐसे बीट मैच होता है, देख सकते हैं आप लोग। और वीडियो में यहाँ से थोड़ा सा फास्ट वगैरह कर देना है वीडियो को, देख सकते हैं आप लोग मैंने किया हुआ है, पूरा स्पीड मैंने बढ़ा दिया, देख सकते हैं आप लोग। 6 पे रख दिया नगर यहाँ पे, तो ऐसा ही होता है। और यहाँ से एक्सपोर्ट करने लगा, यहाँ पे ऑल रिजोल्यूशन मिल जाएगा आपको, 4K में एक्सपोर्ट करना है क्योंकि